वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ सब। प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज जो आप लोग मेरा ये टी शर्ट देख रहे हो जिसपे अन अकेडमी लिखा हुआ है, हाँ प्यारे बच्चों आप लोग बिल्कुल स्वागत मत हो। मैं अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप लोग अगर चाहो मैं वहां भी अभी बहुत सारे कोर्सेज लेके आया हुआ हूँ, क्रैश कोर्स फॉर NTPC, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज और भी आने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहो मुझे वहां फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहो, सेट लगाना, क्विज लगाना चाहो मेरे साथ, डेली प्रैक्टिस करना चाहो क्वेश्चंस की, तो आप लोग वहां भी कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। बट वहां कॉम्पिटेटिव चीजें की प्रैक्टिस हो रही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे वीडियोज को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो इस प्रकार से है, वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ, पार्ट वन और पार्ट टू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, उनके नजरिए के लिए, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए, ऑब्वियस सी बात है ऑलवेज आता हूँ किसके लिए, PMBU एंड मुंगेर, रिसेंटली लॉन्च मुंगेर यूनिवर्सिटी, है ना। अब आओ प्यारे बच्चों मैं बात करता हूँ इन दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों आपकी जो एग्जाम की डेट है, जो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना क्या करती है, कैलेंडर निकालती है, हर एक ईयर का क्या निकालती है, पूरा का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करती है, ठीक है। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी ने भी अपना एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया है और मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे ये कैलेंडर भेजा था PDF। तो मैंने उसमें क्या देखा है कि आपकी जो एग्जाम है वो 24 मार्च 2020, ठीक है, 20 और 25 मार्च, 24 मार्च से स्टार्ट हो रही है एग्जाम पार्ट वन के स्टूडेंट्स की और 25 मार्च से किसकी हो रही है, पार्ट टू के स्टूडेंट्स की, है ना। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना कि ये जो एकेडमिक ईयर का जो कैलेंडर जो यूनिवर्सिटीज रिलीज करती है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज अपने एकेडमिक ईयर के कैलेंडर को क्या करती है, फॉलो कर पाती है। रीजन ये है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी क्या कुछ लेट चल रही होती है, उनका सेशन लेट चल रहा होता है। बट मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपका जो सेशन आपकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं है, न्यू यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने एकेडमिक कैलेंडर को बिल्कुल फॉलो करेगी और अपने हर एक क्रिटेरिया को क्या करते चलेगी, फुलफिल करते चलेगी, जो गिवन डेट है उस पर सब काम होते चलेगा। तो आप लोग तो ये मान के चलो कि 24 मार्च से आपकी एग्जाम एकदम तय बात है कि होनी है, दैट मीन्स होनी है, क्योंकि आपका सेशन लेट नहीं हो सकता है। देन आफ्टर मैं आता हूँ भाई TMBU का, फिर मैंने जिक्र क्यों किया इस वीडियो में, क्यों मैंने TMBU के स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला कि आप ये वीडियो देखो, रीजन ये है कि अभी क्या है कि TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी इन दोनों के बीच क्या है, थोड़ा सा कम्पिटेटिव, समझ में आ रहा है, फेस चल रहा है ना, कम्पिटेटिव फेस चल रहा है। दैट मीन्स कि मुंगेर यूनिवर्सिटी रिसेंटली लॉन्च है, पहले मैक्सिमम सारे कॉलेजेस किसमें आते थे, TMBU के अंदर थे, ठीक है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंदर थे। बट जब ये मुंगेर यूनिवर्सिटी जैसे ही रिसेंटली लॉन्च हुआ, क्या हो गया कि TMBU का जितना भी कॉलेज था, ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50% कॉलेज किसमें शामिल हो गया आके, मुंगेर यूनिवर्सिटी में, यानी इसका बोझ क्या हो गया है, हल्का। डेट मीन्स अब इसको क्या, कौन कम्पीट करेगा, TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी एक दूसरे को कम्पीट करेगा। डेट मीन्स इसका सेशन ऑलरेडी सुधरा हुआ है, क्योंकि ये न्यू यूनिवर्सिटी है, ये सेशन सुधारने में लगा हुआ है, क्योंकि इसको क्या करना, अपना सेशन ठीक करना है और अपना जो नेम एंड फेम है वापस से लेके आना है। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है काम, अपना सेशन को बिल्कुल टाइम पे, इस ईयर आपने देखा एग्जाम कितना जल्दी जल्दी कम्प्लीट हुआ, रिजल्ट भी आ गए। दैट मीन्स कि अगले साल जो एग्जाम होने वाला है पार्ट वन का, वो इसी डेट के अराउंड हो जाना है, आपने भी, आपका भी एग्जाम इसी डेट के अराउंड होना है। क्यों? क्योंकि TMBU भी कम्पीट करेगा मुंगेर यूनिवर्सिटी को। दैट मीन्स कि जैसे जैसे मुंगेर यूनिवर्सिटी चलता रहेगा, सेम शेड्यूल वाइज इनका भी शेड्यूल आता रहेगा, ऑन अराउंड उसी अराउंड में आपका भी एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको भी कहा ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों और आप लोगों को एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज जान लेना क्या जरूरी है कि लास्ट ईयर रिमेम्बर इट कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत खराब हुआ था। बाकी सब तो नहीं पता, मैं BSc की क्लासेस लेता हूँ तो BSc का मुझे पता है, BSc की रिजल्ट बहुत खराब हुई थी। और एक चीज यकीन रख लो, जो रिजल्ट आपका बन के आ गया फिर आपका कोई भी चेंज नहीं कर सकता वो रिजल्ट को, ठीक है। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा रीटोटलिंग कराओगे, ये सब फालतू के चोचने, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो आप ये सब पचरकूट से, अच्छा है कि अभी से अपनी अपनी तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दो, है ना, और क्या कर सको, बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन को इस डेट तक कम्प्लीट करो। और मैं अपने बारे अब बताता हूँ अपनी क्लासेस के बारे में। क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपकी, फिर से एक न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, किस किस ऑनर्स के लिए, ये मैंने बता दिया आपको एग्जाम डेट के बारे में। ऑनर्स अब जान लो, BSc मैथ ऑनर्स, इसकी क्रैश कोर्स, ऑनर्स के साथ साथ यहाँ सब्सिडरी की भी पढ़ाई करवाई जाएगी आप लोगों को, ऑनर्स प्लस सब्सिडरी, इसकी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है, और BA इंग्लिश ऑनर्स,
की भी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है। फिर से बता दूं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है क्या क्या अपना सारा डिटेल। व्हाट्सएप पे बस एक मैसेज छोड़ना है, इन रिटर्न आप एक मैसेज पाओगे, एक फॉर्म पाओगे, उस फॉर्म को आपको फिल करके बस फिर से सेंड कर देना है। आपको डेमो क्लास की वीडियोस मिल जाएगी, आप चाहो उसके बाद अगर डेमो से सेटिस्फाइड हो आप अपना कोर्स क्या कर सकते हो, क्रैश कोर्स में एडमिशन लेके अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सारा कोर्स जो क्लासेस जो होगी आपकी ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन कहाँ पे होगी आपकी क्लासेस, यूट्यूब पे होगी। कहाँ पे होगी, यूट्यूब, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है मैं सब, इसी पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी। बट ये ऑनलाइन क्लासेस टोटली क्या होने वाली है बच्चों, पेड ऑनलाइन क्लासेस होनी है, जो जो बच्चे एडमिशन लेंगे सिर्फ वही वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। रिमेम्बर इट, किसकी किसकी, बीएससी मैथ ऑनर्स प्लस सब्सिडरी की। बीएससी मैथ के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी की भी पढ़ाई दी जाएगी, जो पार्ट वन पार्ट टू के स्टूडेंट्स होंगे। इंग्लिश ऑनर्स में सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री जो भी हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा क्या कि देखो ग्रेजुएशन में क्या है ना, नंबर लाने का दो ही तरीका है। पहला क्या, अब सिंपल मैं मैथ ऑनर्स की अगर बात करूं तो आप क्वेश्चन तो आराम से बना के आ जाओगे, सॉल्व कर लोगे, दैट्स डजंट मैटर। ग्रेजुएशन में आप कितना खूबसूरत ढंग से लिख के आते हो ये मैटर करता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो ये मैटर नहीं करता है उतना, जितना कि आप कितने खूबसूरत ढंग से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हो, ठीक है। और ये ट्रिक आप, ये जो तरीका है लिखने का तरीका, एक एक चीज आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला है, कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देगा बट आप भी खुश हो जाओगे क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो गया, बट बच्चों नंबर फुल कभी नहीं आने वाला है जब तक आपका खूबसूरत ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आओगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को क्या करना है, खूबसूरत ढंग से सॉल्व करना है, ठीक है। सेम चीज है इंग्लिश ऑनर्स में भी, क्या जो आपका क्लास जो मैम लेती है या मैम लेंगी आपका आगे भी, जो क्रैश कोर्स आपका मैम लेने वाली है उसमें भी क्या होने वाला है कि इट्स डजंट मैटर कि आप गेस्ट पेपर छाप के आ रहे हो, कितने खूबसूरत नोट्स, कितना खूबसूरत लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कितने खूबसूरत वर्ड्स को यूज कर रहे हो, ये मैटर करता है ना आर्ट्स में। बस यही सब चीजें हैं बच्चों, आप लोग चाहो डेमो क्लास ले लो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, डेमो क्लास लो, सीट्स फिर से आ जाओ, सीट ऑनलाइन क्लासेस की एक, जो बच्चों प्यारे बच्चों जो एक थोड़ी सी मुझे डिमेरिट या मेरिट आप लोगों के लिए जो लगे, ओनली 20 स्टूडेंट्स। मैंने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक एडमिशन नहीं दे पाया मैं, जो पार्ट टू पार्ट थ्री का ऑलरेडी वो सब फुल चल रही है बैचेस, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ऐड ही नहीं कर सकता। ऐड करने के लिए फिर से न्यू बैच, और वो न्यू बैच के लिए टाइम है कहाँ, आपके कोर्स भी तो कंप्लीट कराने हैं ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडीज की, ठीक है। मुझे पार्ट टू पार्ट थ्री में फिर से मैं बताऊं, पार्ट टू में तो बिल्कुल मुझे दो तीन सीट अगर खाली हो तो मैं ले सकता हूं, बाकी सीट्स बहुत लिमिटेड सीट्स है। यही एक थोड़ा सा मुझे अपने टाइम से डिमेरिट लगता है कि सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को मैं ऐड कर सकता हूं एक बार में, उससे ज्यादा को मैं एक बार में एडमिशन नहीं दे सकता। एक बैच मुझे फिर से न्यू बैच लानी होगी, उसमें फिर आपको कोर्सेस कराने होंगे। चलो प्यारे बच्चों, तो मैं आपके साथ यही शेयर करने आया था कि आपकी एग्जाम डेट है, ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल्स क्या हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। अब जो टाइम मिला है 3-4 महीने का, बहुत अच्छे से मेहनत करो, अभी तक क्या किया सब भूल जाओ, बट याद रखना ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आज नहीं पता चलेगा आपको, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर बाय द वे मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छा करो ग्रेजुएशन में, बट इफ जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, किसी को 90 नंबर, किसी को 95, किसी को 110, यानी फर्स्ट डिविजन के आसपास भी कोई नहीं था। तो प्यारे बच्चों याद रखना मेरी एक बात को, पार्ट वन जितना हल्का है उससे थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट टू होगा, और उससे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट थ्री, कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा चीज। अभी जितना अच्छा मौका है आपके पास फिर नहीं मिलेगा, तो अभी इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। क्यों, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि वो मैंने ये गलती किया, मैंने अगर यहां से पढ़ लिया होता तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाती। लास्ट ईयर भी मैंने जितना दिया था, बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया था सर आपने जितना क्वेश्चन बताया है वो सारे के सारे एग्जाम्स में है। एक दो कमेंट्स आपको शायद स्क्रीन पे भी मैं अवेलेबल अभी करा दूं। चल, और वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी मैं अवेलेबल अभी करा दूंगा, वीडियो के साथ साथ ही वो पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्यारे बच्चों फिर से बता रहा हूँ, बैचेज अगर ज्वाइन करने आपको, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, डेमो क्लास लो, एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन लो, कोर्स कंप्लीट करो, और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्योंकि अब सारे फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं। अब जो है सीजन किसका आ चुका है अच्छे से मन लगा के पढ़ने का। उम्मीद है सारी बातें मेरी आपको समझ में आ गई, कोई डाउट हो कुछ भी हो कमेंट करके पूछ लो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब तक ये बातें पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मुलाकात होगी हमारी फिर से अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।